वेलकम टू सुधा'स वेज रेसिपीज। तो आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है बिना प्याज लहसुन की भंडारे वाली पूरी और आलू की सब्जी। ये हमें सावन में कई बार हमारा व्रत होता है, बहुत सारे त्योहार आते हैं जिस दिन प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। तो आइए हम देखते हैं ये बिना प्याज लहसुन की टेस्टी सी भंडारे वाली आलू की सब्जी और ये पूरी कैसे बनाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम पूरी का आटा गूंथ के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, वही आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इस आटे में हम डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, हाथों से थोड़ा मसल कर डालेंगे इसको, और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच या स्वादानुसार नमक, स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप ना चाहें तो मत डालिए, और 1 चुटकी इसमें हम हींग डालेंगे। मोयन के लिए 1 चम्मच तेल या आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सख्त आटा तैयार करेंगे जैसे पूड़ी के लिए हम लगाते हैं। देखिए हमारा सख्त डो बनकर तैयार है, इसको हम 10 मिनट ढककर रख देते हैं। तब तक चलिए आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो हमने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, इससे और भी स्वादिष्ट बनेगी ये सब्जी। तेल जब गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच इसमें मैं डालूंगी पिसा हुआ हींग, और ये जब चटक जाए तब मैं डालूंगी थोड़े से खड़े गरम मसाले, तो 1 या 2 तेज पत्ता, 1 छोटी दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 2 या 3 लौंग। इनको सबको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा टमाटर महीन कटा हुआ, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई अदरक, ये सब चीजें हम छौंक में डाल देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं कुछ मसाले, तो 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ जो हरी मिर्च यूज़ की है वो ज़्यादा तीखी नहीं है, सिर्फ फ्लेवर के लिए उसको इस्तेमाल किया। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे जिससे मसाले जलेंगे नहीं। अब इस पे ढक्कन लगाकर इसको मंद आंच पे 1 मिनट के लिए सिर्फ पका लेंगे। अब मैंने उबले हुए 4 बड़े आलू लिए हैं जिनको मैं हाथों से तोड़ रही हूँ, आप चाहे तो इसको चाकू से भी काट सकते हैं, पर ये हाथों से तोड़ी हुई सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से टुकड़े कर लिए मैंने आलू के, तो 4 आलू के उबले हुए आलू के टुकड़े कर लिए। अब हम इसको आलूओं को इसमें टमाटर में डाल देंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। हम यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ गरम मसाले, साबुत गरम मसाले हमने डाले हैं ताकि सब्जी में स्वाद आए। 1 मिनट तक आलूओं को मसाले के साथ भून लिया है, तब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, आपको यदि रस्सा कम या ज़्यादा चाहिए तो आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आलू पानी को पूरा सोख लेते हैं बाद में, इसलिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ। और अब इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारी सब्जी काफ़ी देर से उबल रही है, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में, चटपटा सा। और कटी हुई हरी धनिया के बिना तो सब्जी अधूरी है, तो इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे, और हमारी सब्जी भंडारे वाली बिना आलू प्याज की सब्जी तैयार है। अब हम पूड़ी बना लेते हैं। तो हमारा आटा सेट हो गया, अब इस पे डालते हैं 1/2 चम्मच तेल और इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लेंगे। आटे को हमने अच्छे से मसल लिया, अब इसके हम छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। तो आपको छोटी या बड़ी जैसी पूड़ी बनानी है उस तरह से हम लोई तोड़ रहे हैं इसके। मैं थोड़ी बड़ी बना रही हूँ, जैसी भंडारे में मिलती है वैसी बना लो आप। तो अभी मैंने 1/2 आटे की लोइयाँ बना ली और बाकी का 1/2 मैं बाद में गरम गरम बनाऊंगी। अब हम लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमारे सरफेस पे लगा देंगे। हमें ये आटा बिना सूखा आटा लिए बेलनी है इनको, तो इसलिए तेल लगाकर हम बेलेंगे इनको। तो इस तरह से बेल के हम तैयार कर लेंगे, ना तो बहुत पतली ना बहुत मोटी बेलें पूड़ियों को, इससे पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। तो मैं इतनी बना रही हूँ इस पूड़ी को,
जो कि रोटी से करीब आधे साइज की है, इसको एक प्लेट में रख लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैं सारी पूड़ियां बेलकर तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूड़ियां बेल ली है, अब इनको तलते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तलने के लिए तेल चढ़ा दिया है, हम तेल को चेक करेंगे। तेल हमारा गर्म है तो अब हम पूड़ियां इसमें एक एक करके तल लेंगे। पूड़ी को हल्के हाथ से झारे से दबाएं, इससे अच्छी फूलेगी। तो देखिए हमारी पूड़ी अच्छी तरह फूल गई है, अब इसको पलट देते हैं। इस तरह से पलट पलट कर हम इसको अच्छी तरह से तल लेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर पूड़ी बनकर तैयार है, बिल्कुल क्रिस्प। ऐसे हम और पूड़ियां तल लेंगे हल्का सा दबा के, इसको फूलने देंगे पहले। तो इस तरह से सारी पूड़ियां हम तल लेंगे। ये देखिए ये भी पूड़ी कितनी सुंदर बनी है हमारी। तो हमारी भंडारे वाली बिना प्याज लहसुन की पूरी और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर में पूजा के दिन बनाइए या उपवास के दिन, तो ये आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और एक अच्छा खाना हो जाएगा। नाश्ते या लंच डिनर कभी भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।